हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज़ प्रियंका बंसल। हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड। सो बेसिकली ये टॉपिक हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड है और ये हमारा न्यूली एडेड टॉपिक है बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम की यूनिट में, राइट। सो इस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर में ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स होती क्या है। सो हम इसको इजी लैंग्वेज में कोशिश करेंगे कि इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स आर इनफॉर्मल, अनऑफिशियल एंड समटाइम्स बिहाइंड द सीन। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स इनफॉर्मल होती है, फॉर्मल नहीं होती है। आई होप आपको पता होगा कि फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। सेकेंड इज अनऑफिशियल होती है एंड समटाइम बिहाइंड द सीन्स efforts to sell ideas influencing an organization. So basically organization politics का basically कहते हैं ना कि कुछ base होता है। So वो है कि influence an organization की politics के through दूसरों को influence करने की कोशिश की जाती है, increase power और achieve others target objective. So basically organizational politics informal होती है, unofficial होती है, behind the scenes के लिए कि ये official नहीं होती है। इसका मेन मोटिव रहता है कि हम इन्फ्लुएंस करें, हम अपनी पावर को इंक्रीज करें और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, राइट। सो देखो, पॉलिटिकल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड मैनी एक्टिविटीज सच एज स्प्रेडिंग र्यूमर्स, लाइक कि जो चीज़ सही नहीं है, कि लाइक झूठ के बारे में हम कुछ अफवाह फैला रहे हैं कि कोई भी टॉपिक है, कोई भी डिसीजन है जो ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं हुआ है, बट फिर भी उसके बारे में र्यूमर्स फैल रही हैं। सो दैट इज़ ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, लीकिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन की बिजनेस से रिलेटेड, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो दूसरों को पास आउट की जा रही है, एक्सचेंजिंग फेवर्स विद अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। सो देखो कि पॉलिटिक्स बेसिकली सेल्फ सर्विंग बिहेवियर होता है, नॉट सेंक्शन बाय ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट नहीं करती है कि भाई तुम पॉलिटिक्स करो, वो एक सेल्फ सर्विंग बिहेवियर होता है, राइट। आगे देखते हैं पॉजिटिव, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय बैलेंस्ड परस्यूट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कि जब पॉलिटिक्स बेसिकली पॉजिटिव सेंस में होगी तो एम्प्लॉय ये सोचता है कि भाई मेरे पर्सनल गोल भी फुलफिल हो और ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी फुलफिल हो, राइट। सो ओपन प्रॉब्लम सॉल्विंग की कुछ भी प्रॉब्लम आती है कि वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं सॉल्व करने में, एनालाइजिंग द सिचुएशन इन विन विन टर्म्स। विन विन टर्म्स मीन कि इसमें एम्प्लॉय का भी बेनिफिट होता है, इसमें एम्प्लॉयर का भी बेनिफिट होता है, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा कि पॉजिटिव साइड कौन सी होती है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की। नेक्स्ट पॉइंट इज नेगेटिव साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स by viewing the situation in win-lose situation. So basically इस situation में employee का ये रहता है कि भाई मेरे personal interest तो fulfill हो, मुझे मतलब नहीं है कि organizational का goal fulfill हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो basically उसका agenda hidden होता है, वो focus करता है self-interest पे ना कि organization के goal पे। When people play politics it causes disharmony. Disharmony means the relationship between the employer and employee is not good. Harmony means कि उन दोनों में अच्छा relationship होता है employer में और employee में। So इसके consequences क्या है कि like अगर people politics का use ज़्यादा करते हैं तो organization में उसके consequences क्या होंगे, conflict होना शुरू हो जाएंगे, stress की situation आ जाएगी, anxiety की problem होगी, uncertainty in the organization. So basically these are the negative sides of ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, राइट। अब चलता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल बिहेवियर्स, कि भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉलिटिकल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, कि लाइक ऐसा क्यों होता है कि लोग पॉलिटिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्यों ऐसा होता है कि लाइक कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पॉलिटिकल बिहेवियर होता है। सो बेसिकली इंडिविजुअल फैक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। सो अब हम इन दोनों को वन बाय वन देखेंगे। इंडिविजुअल फैक्टर्स, हाई सेल्फ मॉनिटरिंग, कि लाइक अगर इंडिविजुअल के मन में ये है कि भाई मुझे अपना पर्सनल गोल फुलफिल करना है, मुझे पावर फॉर कंट्रोल चाहिए, मुझे डिसीजन मेकिंग पावर को इन्फ्लुएंस करने के लिए पावर चाहिए, सो उसके लिए एम्प्लॉय बेसिकली पॉलिटिक्स करना स्टार्ट करता है, राइट। सेकेंड पॉइंट इज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। सो लोकस ऑफ कंट्रोल इज लाइक इफ़ यू बिलीव यू कैन डू इट, बट जो सिचुएशंस है वो तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं है, सो तुम कोशिश करोगे कि भाई कुछ भी करो, पॉलिटिक्स करो, कुछ भी करो, बट अपना टारगेट फुलफिल होना चाहिए, राइट।
थर्ड इज एक्सपेक्टेशंस फॉर सक्सेस, कि अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई हमें सक्सेस होना है, टिट फॉर टैट, हमें कुछ भी यूज़ करना है, पॉलिटिक्स करो, कुछ भी करो, बट लाइफ में क्विक सक्सेस चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कॉस्ट पे करनी पड़े. सो बेसिकली ये फैक्टर्स हैं इंडिविजुअल के अंदर, कि भाई इन फैक्टर्स की वजह से इंडिविजुअल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स होती है. नाउ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स की अगर हम बात करें, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनकी वजह से एम्प्लॉय पॉलिटिक्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है. देखो, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस कि अगर रिसोर्सेज का एलोकेशन इक्वली नहीं है, अगर उनका एलोकेशन ऑप्टिमम यूज़ उनका नहीं हो रहा है, तो हमें पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होता है ऑर्गेनाइजेशन में. सो एवरी डिपार्टमेंट और एवरी इंडिविजुअल कोशिश ये करता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हों. सो इसकी वजह से भी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है. सेकेंड इज प्रमोशन अपॉर्चुनिटी. अब देखो कि हर बंदा ये चाहता है कि भाई उसके पास अच्छी पोजीशन हो, ठीक है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको पे मिले, अच्छी उसके पास पावर हो, प्रमोशन हो. सो बेसिकली पावर अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर. नाउ लो ट्रस्ट, कि जब अगर एम्प्लॉयर को या मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉय पे ट्रस्ट नहीं होता है, सो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके मन में तो ये आएगा कि भाई जब हमारे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, तो हम क्यों ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए उनकी हेल्प करें, राइट. सो बेसिकली फिर उनका फोकस ये रहता है कि भाई हम पॉलिटिक्स वगैरह कुछ भी यूज़ करके अपना पर्सनल गोल फुलफिल करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज रोल एम्बिग्यूटी. सो एम्बिग्यूटी मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, कि भाई जो चीज़ प्रॉपर क्लियर नहीं है. रोल मीन्स कि लाइक उनको उनकी जॉब, उनकी ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको काम करने के बाद किसको रिपोर्ट करना है, अगर ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है, तो बेसिकली उस सिचुएशन में भी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है एम्प्लॉयज, राइट. अनक्लियर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम, कि जब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस के लिए एक आउटकम जब सब्जेक्टिव इन नेचर होता है ना, दो पॉइंट होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव. देखो, सब्जेक्टिव इज लाइक कि मैंने आपको कोई टॉपिक दिया, तो मे बी उस टॉपिक के बारे में आपका पर्सपेक्टिव कुछ अलग है, मेरा पर्सपेक्टिव कुछ अलग है. अगर हम वही टॉपिक किसी थर्ड पर्सन को देंगे, उसका पर्सपेक्टिव अलग होगा, राइट. सो दैट इज सब्जेक्टिव इन नेचर. ऑब्जेक्टिव मीन्स कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते हैं, तो हमें क्वेश्चन होता है, चार ऑप्शन होता है, उन चारों में से एक आंसर होगा. ऐसा नहीं होगा कि वो सारे के सारे आंसर होंगे, राइट. सब्जेक्टिव इज डिफरेंट बट ऑब्जेक्टिव अलग होता है, ठीक है. लाइक ऑब्जेक्टिव जो होता है रिसर्च, जैसे हम बोलते हैं ना कि रिसर्च हमारी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कि भाई अगर आज मैंने वो रिसर्च की है, 10 साल बाद भी कोई रिसर्च करेगा, तो बेसिकली कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए रिसर्च में, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए. तो इसी तरह है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के टाइम पे आउटकम सब्जेक्टिव है, कि भाई दो एम्प्लॉयज़ हैं, दोनों ने काम सही किया है, बट फिर भी उनका आउटकम वो सब्जेक्टिव इन नेचर कर रहे हैं, राइट, कि उनका आउटकम वो अनक्लियर शो कर रहे हैं, सो इंडिविजुअल प्ले करेगा पॉलिटिक्स, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज हाई परफॉर्मिंग प्रेशर्स, के जब एम्प्लॉयज़ के ऊपर हाई परफॉर्मिंग प्रेशर होता है, कि भाई उनके ऊपर प्रेशर होता है कि तुम अच्छा परफॉर्म करो, ज़्यादा प्रोडक्शन करो, ज़्यादा देर काम करो, सो ये सारे फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, कि भाई हम किसी तरह पॉलिटिक्स कर लेते हैं, हम इंक्लूड हो जाते हैं इधर उधर की बातों में, इनफॉर्मल वे में हम कोशिश करेंगे कि अपनी बॉस को इन्फ्लुएंस कर सके, देन वो हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर कम डालेगा, ये वो चलता रहता है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ सर्विंग सीनियर मैनेजमेंट. सो ये है कि समटाइम जो सीनियर पर्सन होता है, वो खुद ये सोचता है कि भाई उनका अपना पर्सनल बेनिफिट को गेन करने के लिए वो काम करता है. सो अगर सेल्फ सर्विंग सीनियर मैनेजमेंट होंगे, वो पूरी मैनेजमेंट टीम या फिर सबॉर्डिनेट्स या फिर ऑर्गेनाइजेशनल की तरफ पूरा ध्यान ही नहीं देंगे, सो ऑब्वियसली कि कैसे अच्छा काम हो सकता है. सो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स इन पॉलिटिकल बिहेवियर, राइट. नेक्स्ट हम बात करना है बॉटम लाइन मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स इफेक्टिवली, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स को इफेक्टिवली अगर मैनेज करना हो तो क्या करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्न द कल्चर एंड रूल्स ऑफ द गेम फॉर द सक्सेस इन ऑर्गेनाइजेशन. भाई जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, जो उसके रूल्स हैं, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए कि ठीक है, जब रूल्स वगैरह, जब हर एम्प्लॉय का काम उसको क्लियरली पता होगा, उसको पता होगा कि भाई आपको काम करने के बाद किसको रिपोर्ट करना है, उसकी ड्यूटीज़, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसका पूरा रोल क्लियर होगा, सो डेफिनेटली पॉलिटिक्स की सिचुएशन कम हो जाती है, राइट. लर्न द कल्चर, भाई उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट, इस्टैब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी एंड ओवरऑल पॉजिटिव इम्प्रेशन इन द आईज ऑफ द अदर्स
इन ऑर्गेनाइजेशन. सो एम्प्लॉय का मोटिव क्या रहना चाहिए कि भाई मैं अपना अच्छा इंप्रेशन बनाऊँ ऑर्गेनाइजेशन में, कि लाइक अगर सेम पॉइंट पे कि लाइक एक सेल्स पर्सन है, ठीक है, कंपनी में उसके जैसे 10 सेल्स पर्सन है. सो जो सेल्स पर्सन पॉजिटिव पॉलिटिक्स का यूज़ करेगा वो ये कोशिश करेगा कि भाई मैं अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट दूँ, मेरा अच्छा इंप्रेशन हो दूसरों पे भी और मेरे मैनेजमेंट टीम पे भी. राइट, बिल्ड ए बेस ऑफ सपोर्ट ऑफ नेटवर्किंग फॉर्मिंग अलायंसेज विद की प्लेयर्स, कि लाइक नेटवर्किंग बनाना, कि लाइक उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना. किसके साथ? की प्लेयर्स के साथ, जो उस कंपनी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो की प्लेयर्स हैं. नेक्स्ट इज क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट फॉर्मल क्लियर पॉलिसीज प्रोसीजर टू रिड्यूस एम्बिग्यूटी. सो एम्बिग्यूटी का मतलब हमने देखा था समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर. सो उस चीज़ को बेसिकली रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए कि सारे प्रोसीजर, सारे रूल्स, सारी पॉलिसीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जिससे कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे. नेक्स्ट इज बी ओपन विद विजिबल विद एम्प्लॉयज़ वेन डीलिंग विद अदर्स, कि लाइक जब हम एम्प्लॉयज़ के साथ डील कर रहे होते हैं तो हमें अपना सिनारियो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखना चाहिए. नेक्स्ट इज एक्ट इन वेज कंसिस्टेंट विद व्हाट इज वर्बली अवेलेबल. सो बेसिकली जब हम कंसिस्टेंसी यूज़ करेंगे, कंसिस्टेंसी इन द मीन कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में प्रॉपर पूरा टाइम टू टाइम पे इंटरेक्शन हो रहा है, जितना काम उन्होंने किया उनकी इन्फॉर्मेशन सारे उसके पास जा रही है. सो बेसिकली कंसिस्टेंट होना चाहिए. यूज़ डिफेंसिव बिहेवियर एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉलिटिक्स. सो डिफेंसिव बिहेवियर यूज़ करना चाहिए हमें अगर हमें पॉलिटिक्स से प्रोटेक्ट करना है खुद को. कि लाइक डिफेंसिव बिहेवियर मीन्स कि अगर कोई सामने वाला बंदा भी कुछ भी बोलता है तो इन प्लेस ऑफ आर्ग्यूमेंट कि उस बात को हमें कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट हमारी इमेज खराब ना हो. सो बेसिकली ये पूरा प्रोसीजर होता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को इफेक्टिवली मैनेज करने का. राइट, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल बिहेवियर में लिमिटिंग द इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर. कि भाई हम पॉलिटिकल बिहेवियर को किस तरह से कम कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को, कि लाइक पॉलिटिक्स के इफेक्ट को हम ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से हम कम कर सकते हैं. राइट, फर्स्ट इज ओपन कम्युनिकेशन. कि भाई जो कम्युनिकेशन होगा वो ओपन होगा एम्प्लॉयर के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में, किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज प्रोवाइड सफिशेंट रिसोर्सेज. कि भाई जितना एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी नीड, उसकी बेसिकली उसके वर्क पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग उसको पे करना चाहिए. कि लाइक जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सफिशेंटली प्रोवाइड होने चाहिए. इंट्रोड्यूस क्लियर रूल्स की कमी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रूल्स हैं, जितनी पॉलिसीज हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए. उन रूल्स और पॉलिसीज में कहीं भी कुछ भी ऐसा ना हो कि जो क्लियर नहीं है और जिनका बेनिफिट उठा के और एम्प्लॉय पॉलिटिक्स में एंटर हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में. सो सारे के सारे रूल्स बेसिकली क्लियर होने चाहिए. राइट, फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन. कि भाई अगर आपको इन्फॉर्मेशन पास करनी है, कि अगर एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर को एक सेल्स पर्सन से कुछ बात करनी है तो वो इजिली कर पाए. फ्री फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन भी ऐसा ना हो कि उसको सेल्स पर्सन से बात करनी है तो पहले उसको बीच में 3 जनों को लेके फिर उससे बात करनी पड़ती है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. मेजर परफॉर्मेंस नॉट पर्सनालिटी. कि भाई एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करो, उसकी पर्सनालिटी को मेजर मत करो. ये देखो कि उसने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस क्या है. तो परफॉर्मेंस हमेशा ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट इज रिमूव पॉलिटिकल नॉर्म्स. भाई जो पॉलिटिकल नॉर्म्स वगैरह होते हैं उनको रिमूव करो. हायर लो पॉलिटिक्स एम्प्लॉयज़. तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करो कि जिनका लो पॉलिटिक्स बैकग्राउंड हो, कि लाइक वो पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व नहीं हो, कि लाइक वो ज़्यादा इधर उधर दिमाग ना लगाए, सिर्फ अपने काम से काम रखे. इंक्रीज अपॉर्चुनिटी. पीयर प्रेशर अगेंस्ट पॉलिटिक्स. कि भाई जो सुपीरियर्स वगैरह होते हैं, जो साथ में काम करते हैं, कलीग्स वगैरह होते हैं, कोई नया बंदा कंपनी में आता है तो बेसिकली उसके ऊपर प्रेशर होना चाहिए कि भाई इस कंपनी में पॉलिटिक्स वगैरह नहीं होती है. सो क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से अभी तो नहीं आया था पिछली बार. सो टॉपिक इम्पॉर्टेंट था कि एटीट्यूड से क्वेश्चन था आई थिंक. राइट, बट पॉलिटिक्स का एक बार अगर हमें ओवरव्यू होगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम पॉलिटिक्स बिहेवियर को लिमिट कर सकते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स कौन से हैं, अगर हमारा थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन को करना बहुत ईजी हो जाएगा. सो द पॉइंट इज़ कि हमें अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है एज कम्पेयर टू कि हमें कोई भी चीज़ को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे हमें फोकस करना है. राइट, आई होप आपको ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का टॉपिक समझ में आ गया होगा. थैंक यू.